तो अगर हमको विलेन दिखाना हो, हॉरर दिखाना हो, भूत दिखाना हो, तो हम क्या करेंगे, 14 mm लगा के क्लोज में ले लेंगे, तो हम हॉरर दिखेंगे, थोड़ा विकृत दिखेंगे, लुक अच्छा नहीं दिखेगा। तो हम यही कर रहे हैं ना, या तो 18 पे शूट करेंगे, या 24 पे शूट करेंगे, या 50 पे शूट, तो हर किसी में इसका लाइट का क्वालिटी खराब होगा। और जबकि 50 का हम नॉर्मल प्राइम लेंस यूज करें तो क्वालिटी क्या होगा हमारा, बढ़िया होगा। कैमरा क्या है ना, हम किस फॉर्मेट के लिए यूज कर रहे हैं, हम OTT के लिए बना रहे हैं, हम टेलीविजन के लिए बना रहे हैं, हम 70 mm के पिक्चर के लिए बना रहे हैं, या IMAX के लिए बना रहे हैं, पहले तो दिमाग में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर यह क्लियर करता है। अगर हमको IMAX के लिए बनाना है तो लार्ज फॉर्मेट का कैमरा हम यूज करेंगे। IMAX के लिए अलग कंपनी ही एरी IMAX कैमरा ही बनाती है, जो सिर्फ हम उसको ला के रेंटल यूज करेंगे, शूट करेंगे और उसको वापस दे देंगे, ठीक है, तो वो कैमरा ही अलग आएगा। अगर हम OTT 70 mm के लिए बना रहे हैं तो 70 mm का हमारा बजट क्या है, बजट के हिसाब से हम वहाँ मिनी या LF या ड्रैगन हम ऐसा चूज करेंगे जिसका फॉर्मेट थोड़ा बड़ा हो, सेंसर साइज बड़ा हो, पिक्सल ज़्यादा आए, लाइट ज़्यादा आए, पिक्सल साइज बड़ा हो। तो ये सब डिसाइड होता है उस समय बैठ के कि हमको लार्ज फॉर्मेट पे शूट करना है, तो लार्ज फॉर्मेट का कैमरा अगर लाओगे तो उस कैमरे का रेंटल में तुमको 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसके बाद उसका लेंस हम लाएंगे उसके हिसाब से, उसका जो ओपन गेट है उसके हिसाब से, तो लेंस का भी 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी 40 दिन का शूट है, एक दिन 10,000 केवल कैमरा और लेंस पे एक्स्ट्रा होगा। ये प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन डिसाइड करता है कि हमको उस पे करना है या इससे कम पे करना है, ठीक है। अगर मेरा मकसद OTT के लिए है तो हमको ये पता है कि हमको 4K से ज़्यादा, हिंदुस्तान में अभी जो फिल्म है कोई भी थिएटर हॉल जो है 2K से ज़्यादा है नहीं, 4K सिनेमा हॉल कहीं नहीं है हिंदुस्तान में। बहुत कम लोगों के पास 4K मोबाइल रेजुलेशन का लैपटॉप या मोबाइल है, हम लोगों के पास है नहीं, मोस्टली लोग अभी भी 1080 पे देखते हैं। तो अगर हमको 1080 वाले लोगों के लिए फिल्म बनानी है तो हम DSLR से बना लेंगे ना, DSLR का सिनेमा लाइन कैमरा से भी यूज करेंगे, वो वही क्वालिटी देगा जो हम चाहते हैं। अगर हमको 70 mm के लिए चाहिए तो हम क्या करेंगे, लार्ज फॉर्मेट पे जाएंगे या फिर मिनी पे जाएंगे जिसका सेंसर साइज बड़ा हो। तो ये डिस्कशन होता है बजट पे कि हमको किससे शूट करना है, किस ऑडियंस के लिए शूट करना है। नॉर्मली जो है हॉलीवुड, बॉलीवुड, जितनी वर्ल्ड सिनेमा में इस तरीके का लेंस लग गया, मतलब हमको पता है कि 14 mm लग गया तो वाइड है, 24 mm लग गया तो लॉन्ग है, 28 mm हो गया तो नी है, 35 mm है लॉन्ग है। मतलब कि अगर हमने कहा कि 28 ले रहे हैं, 28 mm लेंस लगाया यहाँ पे कैमरे में 28 mm का, तो आपको पता है कि नी है, लेकिन हम यहाँ लगा दिए तो हो सकता है आपका पूरा बॉडी भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, इतना भी। तो 28 का मतलब ये नहीं है कि बुक, कानून के बुक में लिखा हुआ है कि 28 लगा तो नी ही है, कैमरा का डिस्टेंस बढ़ा तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, पाँव भी आ जाएगा, सर भी आ जाएगा। लेकिन अगर पास में रख के कर रहे हैं कि 28 mm पे शूट कर रहे हैं तो हमको पता है कि एक्टर के रूप में मेरा सर नहीं कटना चाहिए ऊपर, तो हमको जो डिस्टेंस है यहाँ आकर हम एक्टिंग नहीं कर सकते, एक्टिंग करने के लिए हमको इतना डिस्टेंस कैमरा से बना कर रखना होगा। हम नी शॉट देना चाहते हैं, इस शॉट को हम नी शॉट में देंगे, ठीक है, तो आपका हेड नहीं कटना चाहिए। अगर लॉन्ग शॉट ले रहे हैं तो मेरा पाँव नहीं कटना चाहिए। तो ये हो गया लेंस आपके लिए, ठीक है। तो अब हम अगर कहते हैं कि 50 mm लेंस है, मतलब आपका मिड शॉट है, हम नहीं बोलेंगे, या डायरेक्टर भी नहीं बोलेगा, वो अपना लेंस लगाया कैमरा में और उसके बाद कहेगा हाँ जी एक्शन, साउंड, रोल, कैमरा, एक्शन। तो आपको पता ही नहीं, तो आप तो 50 mm में पूरा बिखर के एक्टिंग कर रहे हैं ना, तो आपको क्या कहेगा डायरेक्टर कि बेवकूफ एक्टर है, इसको नहीं जानकारी है। तो हमें जाकर क्या कर लेना है, जब हम सेट पे जाते हैं तो हम यहाँ कैमरे के पास आके खड़ा होकर देख लिए 50 mm है, वहाँ लिखा हुआ है,
उसके बाद जब हम एक्ट करेंगे ना तो डायरेक्टर कहेगा होशियार एक्टर है, इसको पता है कितना फ्रेमिंग है, उसी फ्रेमिंग में ये एक्टिंग कर रहा है। सो लॉरेंस इन अरेबिया, उसमें एक शॉट है जिसमें ना वो 135 का लेंस लगाया है लेकिन उसको यूज किया है वाइड शॉट की तरह, वो घोड़े ऊंट पे आ रहा है एक्टर, तो वो एकदम छोटा सा डॉट लेकर आया और आते आते वो एकदम क्लोजअप में यहाँ तक लॉन्ग क्लोजअप में आया 135, तो वो क्रिएटिव शॉट है। तो उसके लिए डायरेक्टर बता देता है कि ये क्रिएटिव शॉट है, हम 135 लगाएंगे लेकिन आपकी एंट्री वहाँ से होगी। यानी वो एक छोटा सा डॉट से दिखाना चाह रहा है कि एकदम अभी इतनी बिंदी सी एक्टर है और वो चलता हुआ आ रहा है और आते आते इतना बड़ा क्लोज हो जाता है, पूरा स्क्रीन पे वो इतना दिख रहा है। तो वो क्रिएटिव शॉट है, वो डायरेक्टर बताएगा कि हम इसलिए ले रहे हैं। तो ये 18 mm है, अभी ये जो एक्टिंग करेगा ये खुल के करेगा दीपक, है ना, ये इस उस कर्टन के लास्ट से लेकर इस कर्टन के लास्ट तक वो एक्टिंग कर सकता है, कर सकता है ना, क्योंकि 18 है। अब अगर हम इसको, ये 18 जूम लेंस है, ठीक है ना, ये 18 कितना है 135, अब हम इसको 85 पे कर देते हैं। अब इसका ना फेस दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो अब इसको पता होना चाहिए ना कि अगर 85 लगा है, मास्टर में लगा था कि दीपक यहाँ से आया, यहाँ पॉकेट में हाथ कुछ खोजा, ठीक है ना, और चला नहीं मिला, चला गया। तो अब जब हम ये शॉट लगा दिए 85, तो दीपक को पता होना चाहिए कि 85 में अब जो आएगा वो सिर्फ ये आएगा, मेरा यहाँ पे आकर मुझे रुकना है, समझे ना, यहाँ पर आकर मुझे पॉकेट में तलाशना है, यहाँ एक्टिंग मेरा कुछ भी हंसते रहें, सिगरेट पीते रहें, बाल बिखरे रहें, मेकअप ना रहे, फर्क नहीं पड़ता, अभी जो एक्टिंग है वो यहाँ की एक्टिंग है। तो ये 85 है। तो जब हम एक मास्टर शॉट ले लिए और उसके बाद दूसरे शॉट में बोले कि सेम जगह कैमरा है दीपक, 85 mm का लेंस लगा है, हम शॉट नहीं बताए, 85 mm का लेंस है, या दीपक होशियार है तो वह आएगा, कैमरा देखा कि यहीं पे है, हिला नहीं है, और लेंस जो है वो 85 पे है, तो 85 पे है, तो उसको पता होना चाहिए कि दीपक को अब ये एक्टिंग नहीं करनी है, अब दीपक को मेन फोकस यहाँ वाली करनी है और फिर यहाँ से निकल जाना है। समझ में आया, हाँ क्लियर। तो जब हमें लेंस, अगर हम इसको कर देते हैं 24, तो अब दीपक का क्या होगा, अब दीपक का बॉडी भी दिखेगा, इतना नहीं दिखेगा, अब हमको पता है कि इतना दिखेगा, हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ पे आके दीपक का खत्म होगा, इतना पता है। तो ये एक्स्ट्रा जो इधर एक्टिंग किया था सिगरेट जलाने का वो नहीं लेंगे, वो क्या होगा, एक्स्ट्रा शॉट बनेगा हमारा, क्योंकि हम आ नहीं रहे हैं, इधर मैंने सिगरेट जलाई, ये आ ही नहीं रहा है। तो अगर आपको जानकारी रहेगा कि 18 पे लेंस 24 पे सेट है, 24 पे है, तो हमको वहाँ सिगरेट जलाने वाला एक्टिंग नहीं करना, हमको यहाँ तक ही आने का लेगा। और अगर ये 14 पे रहेगा तो पता रहेगा कि वहाँ तक ले रहा है, तो 14 पे जब मेरा लेंस लगा रहेगा तो हमको यहाँ तक आके अपना पूरा एक्ट करना है, सिगरेट वाला भी 14 पे जब लगा रहेगा। तो ये लेंस नंबर पता होने से हमारी एक्टिंग समझ में आ जाती है। कितना mm लेंस लगा है, 35। तो अब मेरा ये आ रहा है, ठीक है ना, अब मेरा ये आ रहा है, तो अब हम इतना भी नहीं आगे जा सकते जो तुम भाग रहे थे, इतना भी नहीं जा सकते हैं। तो हर सीन का एक शॉट लिया जाता है ना, क्लोज मिड, तो आपको पता होना चाहिए कि अब जब हम भागेंगे बस इतना ही बोलेंगे, आपका स्वागत है देवी और सज्जन। एडिटर क्या करेगा ना, पहला शॉट लगाएगा लॉन्ग और दूसरा शॉट हमारा लगा देगा क्लोज, तो वो दिखाएगा पहला लॉन्ग शॉट में कि हम यहाँ तक आए और देवी और सज्जनों अब यहाँ से क्लोज काट देगा, है ना, आपका स्वागत है हमारी सभा में, हम बात कर रहे हैं। फिर जब हम ऐसे मूवमेंट लिए ना, ये जब मूवमेंट लिए ना, पता है यहाँ कट हो जाएगा, तब क्या करेगा एडिटर, लॉन्ग शॉट लगा देगा वापस, तो हम वो चलते हुए पूरा दिखेंगे, है ना। लेकिन अगर आपको इसका लेंस का जानकारी नहीं रहेगा तो आप पूरा इसी तरीके से करेंगे, देवी और सज्जनों आपका स्वागत है हमारे, तो ये तो फ्रेम से आउट हो गए, क्लियर है।
तो ये भी ध्यान सीखना है हमें कि कैमरा और एक्टर का डिस्टेंस क्या होता है। मोस्टली अगर इस रूम में ले रहे हैं हम 50 mm लगाएंगे, कैमरा का डिस्टेंस ये है, तो ये लेंस की कैपेसिटी जो है वो इतना लेगा 5 feet पे। मूवी कैमरा वही कैपेसिटी बढ़ जाएगा 8 feet पे। तो ये कैमरा के साथ हम जितना फ्रेंडली होंगे उतना हमें समझ में आएगा धीरे धीरे, लेकिन मेनली यही होता है 14 mm वाइड, 28 mm लॉन्ग, मोस्टली यही होता है। लेकिन हम 28 को 14 के तरह भी यूज कर सकते हैं, 14 को हम 105 के तरह भी यूज कर सकते हैं। लेंस तो वही था ना, 35 पीछे गया नी, यहाँ आ जाएगा मिड, और इतना क्लोज आ गया तो क्लोजअप, और सट जाएगा तो टाइट क्लोजअप। लेकिन उसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम इसके क्लोज आएंगे मेरा चेहरा विकृत होता जाएगा, मेरा ये कान पीछे की तरफ जाएगा, जैसे जैसे हम क्लोजअप में आएंगे इसके, है ना, है ना, ये एक्सट्रीम हो गया। लेकिन हम क्या दिख रहे हैं, गंदे दिख रहे हैं इसमें। तो अगर हमको विलेन दिखाना हो, हॉरर दिखाना हो, भूत दिखाना हो, तो हम क्या करेंगे, 14 mm लगा के क्लोज में ले लेंगे, तो हम हॉरर दिखेंगे, थोड़ा विकृत दिखेंगे, लुक अच्छा नहीं दिखेगा, समझे ना। तो 14 mm को हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, 100 mm की तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन हमारा पर्पस क्या है दिखाने का, कि हम हॉरर दिखा रहे हैं, हम विलेन दिखा रहे हैं, हम निगेटिव कैरेक्टर दिखा रहे हैं, है ना। मेरा लुक खराब, ये कान पीछे की तरफ गया हुआ दिखेगा, चेहरा थोड़ा लंबा दिखेगा, है ना, और ज़्यादा जो हम नेचुरल यहाँ जो हमारी खूबसूरती दिख रही है वो यहाँ नहीं दिखेगी। फिल्म के सेट पे शॉट नहीं बोलता है कि वाइट शॉट लगाएंगे, सेट पे, फिल्म के सेट पे, सीरियल में शॉट बोलता है वाइट शॉट, मिड शॉट, सीरियल में, लेकिन फिल्म की शूट पे ना लेंस बोलता है इतना एमएम का लगाओ। डायरेक्टर भी एक्टर को बताना है कि सर इतना लगा है, सर 75 लगा है, सर 85 लगा है, सर वो ये नहीं बोलेगा नी लगा है, लॉन्ग लगा है। तो लेंस को भी अपने को समझना है, ठीक है। अभी तक यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, तो लेंस को भी समझेंगे। दूसरा एंगल होता है, मोस्टली 3 तरीके का एंगल होता है, एक होता है टॉप एंगल, एक होता है लो एंगल, एक होता है आई लेवल, ठीक है। इसके अलावा भी एंगल है, एंगल आप जिस पोजीशन पे लगा दो, ये 45 degree, ये 60 degree, ये 90 degree, ये 200 degree, 360 में जैसे भी आप घूम जाओ, तो एंगल तो हो गया, ये टॉप एंगल है, ये उससे थोड़ा कम टॉप हुआ, ये थोड़ा कम हुआ, ये आई लेवल हो गया, ये लो हो गया, ये ज़्यादा लो हो गया। तो ये 360 हम एक्टर के घूमते हैं एक्टर, तो वो एंगल हमारे हिसाब से है कि हम कैसा फ्रेम बनाना चाहते हैं, एक्टर को कैसे दिखाते हैं। लेकिन 3 तरीके का मोस्टली एंगल होता है जिसको समझना है। एक होता है लो एंगल, लो एंगल हम कब दिखाते हैं, जब हमें ना कोई प्राउड मोमेंट दिखाना हो, किसी हीरो के एंट्री दिखानी हो, या विलेन को दिखाना हो, उसको बड़ा दिखाना हो, ठीक है ना, उसको पावरफुल दिखाना हो, पावर। लो एंगल क्या करता है, पावर को दिखाता है। तो एक्टर जब पावर में होता है ना, तो हम लो एंगल यूज करते हैं। तो अगर किसी डायरेक्टर ने 4.5 अपर्चर पे लगा दिया, आपका 2.8 भी आता है, मतलब अगर यहाँ इतने हो, अगर इतना कर गए तो आउट ऑफ फोकस, इतना कर गए तो आउट ऑफ फोकस, यानी यहाँ पे आकर खड़ा होकर बोलना है तो यहीं खड़ा होकर बोलना है, इतना भी नहीं करना है, तो फिर तुम आउट ऑफ फोकस चले जाओगे, ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमें एक्टर के रूप में मार्किंग का ध्यान रखना है। 2.8 पे अगर उसने लाइटिंग कंडीशन उसकी अच्छी रही, अच्छा लाइट शूट कर रहा है, बड़े बजट की फिल्म है, लाइटिंग की कोई कमी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा बोके लेगा, या उसके सीन की ही डिमांड है कि पीछे हमको नहीं दिखाना है, ब्लरी दिखाना है, कहाँ का ये लोकेशन है, हमको ये फोकस नहीं करना, हमको एक्टर की मनः स्थिति क्या है, उसकी अंदर की सोच क्या है, इस पर फोकस करना है। अगर हम पीछे पे फोकस कर दिए तो किसी का ध्यान आएगा, अरे वो सोफ़ा अच्छा लग रहा है, अरे वहाँ ये चीज़ चमक रही है, तो एक्टर से ध्यान क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो डायरेक्टर क्या कहेगा, कैमरामैन क्या करेगा, वो ब्लर कर देगा कि एक्टर का, ऑडियंस का ध्यान पीछे जाए ही नहीं, कि किस कलर का है,
कितना बड़ा है, चमक रहा है, वो क्या करेगा, एक्टर को फोकस में कर देगा कि हमारा सारा ध्यान जो है एक्टर पे आए, और एक्टर पे जब फोकस करेगा तो क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाएगा, और डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाएगा तो एक्टर का मूवमेंट जो है कम होगा। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है। 2.8 हमारे पास 4.5 है, तो हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे कैमरा पे चल चल के कि हमें फोकस में आना है, या इससे भी अच्छा ये रखते हैं सबसे छोटी चीज। चलो आओ और उधर से कुछ बात करते हुए आओ, देखो उसको एक से। देखना नहीं है, क्योंकि आप कैमरा में जितनी बार नीचे करेंगे ना उतनी बार वो कैप्चर करेगा। ठीक है, आओ दीपक। एक बार जब हम स्टार्ट करते हैं उस समय देख लेते हैं। हाँ, आ गया फोकस पे। ठीक है, ये एडवांस बैच का लड़का है।